ओडिशा में भगवा रंग से रंगी जाएंगी सरकारी इमारतें और कार्यालय। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हासिल की बढ़त, कांग्रेस ने नतीजे अस्वीकार करते हुए कहा लोकतंत्र हारा और तंत्र जीता। कुशीनगर में कक्षा 7 और कक्षा 8 के 2 बच्चों ने ऑनलाइन गेम में उड़ाए 6.5 लाख रुपए, किया अपने माँ बाप का बैंक अकाउंट खाली, पूछा तो बोले आपसे हुई होगी साइबर ठगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीआई के गठबंधन ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, उमर अब्दुल्ला होंगे अगले सीएम। डोडा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने खोला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपना खाता। एक बार फिर सर्वसम्मति से बुलंदशहर आईएमए के अध्यक्ष बने डॉक्टर एस के गोयल और सचिव बने डॉक्टर मुदित गुप्ता। बुलंदशहर में कल ठाकुर पृथ्वीराज सिंह की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में ठाकुर लोकेंद्र पाल सिंह को सौंपा गया जिला अध्यक्ष पद का दायित्व, जल्द ही होगा विस्तार। चाइनीज सजावट से नहीं, इस वर्ष 2 लाख दियों से सजेगा दीपावली पर अयोध्या का श्रीराम मंदिर। 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का हुआ दिल्ली में आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सहित कई कलाकारों को किया विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित। यूपी सरकार में पीपीएस दंपति चिरंजीव नाथ सिंह और उनकी पत्नी एक साथ बनेंगे आईपीएस अधिकारी, हुआ प्रमोशन। गरबा किंग नाम से मशहूर पुणे में अशोक माली का गरबा करते हुए हार्ट अटैक से हुआ निधन। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा में किया ताजमहल का दीदार। WHO ने की भारत से ट्रैकोमा यानी लोगों को अंधा करने वाली बीमारी की भारत से खात्मे की पुष्टि।